वहीं कानपुर में ट्रेन डीरेल करने वाली साजिश को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है, और साथ ही वो इसे रेल जिहाद से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा, आज रेल दुर्घटना हुई है, ये कालिंदी एक्सप्रेस, उसके पहले साबरमती, उसके पहले और ट्रेन। मैंने कहा था साबरमती में कि ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है भारत को अस्त व्यस्त करने का। इस बार तो रेल मंत्रालय को, ड्राइवर को धन्यवाद देना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए, उसने सूझबूझ से सिलेंडर को देखा और रोका। बगल में पेट्रोल, बारूद, माचिस, बैग, क्यों नहीं कांग्रेस की जुबान खुल रही है। राहुल गांधी विदेश में जाके भारत को तो गाली दे देंगे, लेकिन यहाँ उनकी जुबान चुप हो जाती है। ये पूरे देश में एक भारत को तबाह और बर्बाद करने की साजिश और टूल किट है। यहाँ भी पकड़े जा रहे हैं, पता चल जाएगा मुस्लिम समाज के लोग ही। आप मानते हैं कि एक साजिश है? रेलवे ट्रैक में पहली घटना नहीं है, बीते दो महीने में कई ऐसी घटनाएं, बड़ी साजिश है। ये साजिश है। अब मैं फिर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस की जुबान अगर इस पर बंद है, फारूक अब्दुल्ला पर जुबान बंद है, इसका मतलब भारत कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एक टूल किट बनाया है भारत के ट्रेन। वो ट्रेन तो गोधरा बन जाता, आग लगती, सैकड़ों लोग मारे जाते। ये कांग्रेस चुप है, क्या कांग्रेस का ही टूल किट तो नहीं है? उधर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि कानपुर में रेलवे पटरी पर गैस सिलेंडर रखकर रेल दुर्घटना कराने का षड्यंत्र का विफल होना संतोषजनक है। इसकी उच्च स्तरीय जांच पड़ताल के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि जन और रेल सुरक्षा बनी रहे। एक भेड़िया यहाँ पे दिखा है, उसके पीछे लोग मसाल लेके भागे हैं, सब लोग लाठी डंडे से उसको ढूंढ रहे हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां आदमखोर भेड़िये का आतंक लगातार जारी है। एक के बाद एक हमलों की खबर मिल रही है और वन विभाग भी एक्टिव है। लगातार वन विभाग के जो कर्मी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, तैनाती दे रहे हैं, निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन अब तक दो भेड़िये पकड़ में नहीं आए हैं। रिपोर्ट देखिए। भले ही तीन दिनों से बहराइच में भेड़िया ना दिखा हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उसका आतंक खत्म हो गया है। भेड़िये के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो मौके की तलाश में रहता है और ठीक समय पाते ही अपने शिकार पर वार कर देता है। यही वजह है कि वन विभाग की टीम भी भेड़िये को हल्के में नहीं ले रही है और इलाके में सर्च ऑपरेशन के साथ साथ गश्त को भी तेज कर दिया गया है। मैं इस वक्त हरबक्स पुरवा में हूं और लगातार वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में लगी है, लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही है, गश्त भी लगा रही है। आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश वन विभाग के कर्मचारी हैं जो हरबक्स पुरवा गांव में आए हुए हैं। ये लगातार उन जगहों पे जाते हैं जहां पर इनको लगता है कि यहां भेड़िया आ सकता है। हालांकि जो अभी तक भेड़िये पकड़े गए हैं वो इसी क्षेत्र में पकड़े गए हैं। वन विभाग की टीम गन्ने के खेत में भेड़िये की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। ग्रामीणों में भय का माहौल है और वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि भेड़िया अपने साथियों की मौत का बदला उनसे ना ले। लगातार ये ड्रोन जो उड़ रहा है, जो कैप्चर कर रहा है, जो अपनी शानदार क्वालिटी जो दिखा रहा है, उससे समझ में आता है कि आखिर इन खेतों में, इन झाड़ियों में, इन कटेली झाड़ियों में आखिर क्या है। क्या वह आवारा पशु अंदर है, या कोई सियार है, या कोई भेड़िया है, या कोई तेंदुआ है, बाघ है, जो कुछ भी होगा, कुछ भी हलचल होगा वो इसी वीडियो में साफ साफ दिख जाएगा। तो ड्रोन की अपनी क्वालिटी होती है, तरह तरह के ड्रोन आए हैं, थर्मल ड्रोन भी आया है और जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अभी तक जो भी कामयाबी मिली थी, जो भी भेड़िये ट्रेस किए गए थे, इन्हीं ड्रोनों के माध्यम से उसको देखा गया था। भेड़िये की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए थर्मल ड्रोन तैनात किए गए हैं। वन विभाग की टीम को कुछ जगहों पर भेड़िये के नए पैरों के निशान भी मिले हैं, जो बता रहे हैं कि भेड़िया अभी इसी इलाके में है और हमले की तैयारी कर रहा है।
चार भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद से बचे भेड़िये अब झुंड से अलग हो चुके हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है। जंगल और जंगली जानवरों के जानकार मानते हैं लोन वुल्फ यानी अकेला भेड़िया जो बेहद खतरनाक होता है, छोटे बच्चों को आसानी से निशाना बना सकता है। अब तक भेड़िया इंसानी शिकार का आदि हो चुका है। कई दिनों से शिकार ना करने के चलते भेड़िया भूखा भी है। यही वजह है कि हमला करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहराइच के बाद सीतापुर में भी आदमखोर की दहशत बरकरार है। सीतापुर में भेड़िये के साथ साथ बाघ का भी आतंक देखने को मिल रहा है। पीतमपुर ग्रंट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर बाघ ने आतंक मचाया हुआ है। यही वजह है कि लोगों की शिकायतों के बाद वन विभाग ने पूरी तैयारी की और यहाँ पर ये पिंजरा लगा दिया है। इसी के साथ आपको बताएं, क्योंकि बाघ का मूवमेंट सबसे ज्यादा शाम 5:30 बजे के बाद होता है, जिसके बाद यहाँ पर बकरी बांधी जाती है ताकि बाघ बकरी को देख करके यहाँ तक आए और बाघ इसमें फंस जाए। लेकिन जैसे ही लोगों ने शिकायत की थी, उसी के साथ यहाँ पर कुछ कैमरे भी लगा दिए गए हैं और इन कैमरों के द्वारा नजर रखी जा रही है कि कहीं बाघ का मूवमेंट अगर होता है तो उसे नोटिस किया जाए और साथ ही बाघ को जल्द से जल्द कैद करके यहाँ के लोगों को भय से मुक्त करवाया जाए। सीतापुर हो या फिर बहराइच, आदमखोर का खौफ जारी है। आदमखोर को लेकर दहशत इस कदर है कि लोग खेतों में भी जाने को तैयार नहीं है। लोग रातों में जागकर अपने परिवार और मवेशियों की सुरक्षा करने को मजबूर हैं। डर का ये माहौल आखिर कब खत्म होगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। You know what devta means in the term devta? Do you know what it means? No. What? No, it doesn't mean God. राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भी अपनी पुरानी आदत, मतलब कि भारत और हिंदू संस्कृति को गाली देना, अपमानित करना उसे नहीं छोड़ते। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से सनातन धर्म का अपमान किया है। राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि दुनिया में देवता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है और अपने हिसाब से देवता का मतलब समझा रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसा कहकर दुनिया भर में रहने वाले उन करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है जो सनातन में सच्ची आस्था रखते हैं और जिनका भगवान राम, शिव और कृष्ण में अटूट विश्वास है। विदेशी धरती से राहुल का विवादित बयान, राहुल की नजर में नहीं होते देवता, राहुल को राम और शिव पर नहीं है विश्वास। सनातन का अपमान आखिर क्यों सही हिंदुस्तान? आखिर किसको खुश करने में जुटे हैं राहुल गांधी? इन सवालों की जवाब आज पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, क्योंकि हर बार राहुल गांधी को सिर्फ हिंदू धर्म में ही कमियां नजर आती हैं। कभी वो हिंदुओं को हिंसक बताते हैं तो कभी शक्ति का अपमान करते हैं। इस बार तो राहुल गांधी ने हद ही कर दी। राहुल गए तो थे अमेरिका की यात्रा पर, लेकिन विदेशी धरती से भी वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए लाखों करोड़ों हिंदुओं का दिल दुखाना नहीं भूले। राहुल गांधी ने अब भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है। क्या कहा राहुल ने, सबसे पहले उनका वो बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि राहुल गांधी आखिर बार बार सनातन धर्म का ही अपमान क्यों करते हैं। The deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he is a completely transparent being. Right? It does not mean God. ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी को सिर्फ सनातन धर्म में ही बुराई नजर आई हो। इसी साल जुलाई महीने में उन्होंने लोकसभा में बयान दिया था कि हिंदू 24 घंटे हिंसा, हिंसा और नफरत की बातें करते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते तो राम में कैसे यकीन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार करते हुए एक रैली में तो राहुल ने शक्ति पर ही सवाल उठा दिए थे और कहा था कि हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं।
वहीं महिला सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कह दिया था कि जो लोग मंदिरों में जाते हैं और मत्था टेकते हैं, वही लोग बसों में माँ बहनों को छेड़ते हैं। राहुल गांधी के विवादित बयानों पर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपत्ति जता चुके हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जब उन्होंने राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन राहुल गांधी विवादित बयान देने से बाज नहीं आते। बार बार सनातन धर्म पर सवाल उठाकर वो एक खास वर्ग को खुश करने में लगे। हालांकि इस बार भी बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। देवता का मतलब भगवान नहीं होता। राहुल गांधी जी क्या किसी और धर्म के पैगंबर इष्ट भगवान के बारे में ये कह सकते हैं? आप कभी नहीं कहेंगे, परंतु ये केवल और केवल हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, और इसीलिए कभी कहते प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नहीं। प्रभु श्री राम को भी ये भगवान नहीं मानते। अब देवता भी भगवान नहीं होता ये कह रहे हैं। हिंदू धर्म को, हिंदू आस्था को और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का यही बेड़ा उठाया है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करनी है। राहुल और कांग्रेस पार्टी से रिपब्लिक भारत और पूरा हिंदुस्तान आज सवाल पूछ रहा है कि आखिर वोट बैंक की ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको बार बार सनातन धर्म का अपमान करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।